हाय बच्चों, यू आर वाचिंग गोपाल शर्मा क्लासेस। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज है 9.1 से। तो बच्चों जैसे कि सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, ये भी क्वेश्चन उसी बेस पर ही है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट टेम्पोरेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि काइट की बात की गई है, पतंग की, तो पतंग किस तरह से उड़ेगी। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये कह रहा है एक काइट है जो कि उड़ रही है जमीन से 60 मीटर ऊपर। तो बच्चों ये ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर हमारी काइट उड़ चुकी है। स्ट्रिंग जो कि धागा है जो कि ग्राउंड से बंधा हुआ है, तो यहाँ से धागे को लेते हैं, स्ट्रिंग को जो कि ग्राउंड से है, जिसने एंगल कितना बना 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमसे पूछा लेंथ, जो क्योंकि अगर बच्चा यहाँ है तो लेंथ क्या होगी, ए बी सी, तो जो धागा होगा वो हमारा क्या होगा, ए सी, तो इसे मानते हैं एक्स। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम इसकी डिटेल लिखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी विच इज हाइट 60 मीटर, ए सी को क्या माना हमने, एक्स, और थीटा कितना दे रखा, 60 डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बच्चों हमें जिस जिस चीज़ों का क्वेश्चन में जिक्र होता है हम उसी को ही क्वेश्चन को पिक करेंगे, बस उसी डिजिट को। हमें दे रखा हाइट परपेंडिकुलर और ये हाइपोटनेस, परपेंडिकुलर हाइपोटनेस एंड ए बेस। रूल हमें पता है पी बी पी एच एच बी। हमें क्वेश्चन में इसकी डिटेल गिवन है और ये हमसे पूछा, तो हम इन्हीं दो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को हम पिक करेंगे, विच जो कि होता है साइन का। तो हम करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका होता है, साइन थीटा। तो बच्चों परपेंडिकुलर कितना, 60 मीटर, हाइपोटेन्यूज एक्स, और जिसमें साइन की वैल्यू 60 डिग्री। तो और हम इस क्वेश्चन को आगे लेते हैं, 60 डिवाइड बाय एक्स, 60 डिवाइड बाय एक्स, साइन 60 वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब जब हम इसे क्रॉस करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 120 डिवाइड बाय √3। अगेन बच्चों रूट की वैल्यू कभी भी डिवाइड में आएगी तो हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज। तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो 120 की रूट से करेंगे, ये जरा 120√3, और रूट से रूट कभी भी सेम डिजिट में होगा तो रूट से रूट हट के आएगा 3। तो अब 3 के टेबल में जब हम काटते तो आएगा 40। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, 40√3। तो बच्चों ये जो आया हमारे क्या, ये स्ट्रिंग जो धागे की लंबाई होगी हमारी कितनी होगी, 40√3। तो बच्चों इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन स्माइल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए गोपाल शर्मा क्लासेस।